नेक्स्ट क्वेश्चन दो हज़ार एक का सवाल है क्वेश्चन से इज टू स्प्रिंग्स ए एंड बी हैविंग स्प्रिंग कॉन्सटेंट के ए एंड के बी वेर के ए इज इक्वल टू टू के बी आर स्ट्रेस्ट बाई अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इफ एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए इज ई ए देन एनर्जी स्टोर्ड इन बी विल बी और हमारे ऑप्शन है टू ए या ई बाय टू सॉरी टू ई या ई बाय टू या फिर ई बाय फोर या फोर ईलाइट सिंपल सवाल है क्वेश्चन ये है कि आपके दो स्प्रिंग हैं एक स्प्रिंग ए है जिसका कोविशेंट सॉरी दूसरा और उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया एफ़ और इसमें जो आपका एक्सटेंशन आएगा और इस इसके अंदर एक्सटेंशन एक्स आएगा मान लीजिए और इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई उसको हमने कहा ई e है दूसरा एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के बी है और के इज इक्वल टू ट्वाइस के बी इस पर भी हमने वो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया मान लीजिए इसका एक्सटेंशन एक्स है इसका एक्सटेंशन एक्स भी है हमें बताना है कि इसमें जो ई e बी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी e है ना ई ए के टर्म में सिंपल सवाल तो यहाँ पे अपने को ये पता है कि एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है माइनस के एक्स या एम्प्लाइज आप एक्स की वैल्यू जो आपका एक्सटेंशन आया है स्ट्रिंग में उसको लिख सकते हैं एफ डिवाइडेड बाय के माइनस साइन के साथ ये आपका एक्सटेंशन हो जाएगा सो so, अगर इसका एक्सटेंशन और इसका एक्सटेंशन लिखेंगे तो आपका एक्स ए विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई के ए और उसका एक्सटेंशन हो जाएगा एक्स बी विल बी इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई के बी नाउ एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ के एक्स स्क्वायर तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि यू ए डिवाइडेड बाई यू बी अगर हम इनका रेशो लें सो दैट विल बी इक्वल टू हाफ के ए एक्स ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ के बी एक्स बी का स्क्वायर नाउ के ए और के बी का रिलेशन हम यहाँ पे इंसर्ट uh, कर सकते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ़ अच्छा हाफ कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे सो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस के बी डिवाइड बाई के बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स एक्स ए जो है वो आपका हा एफ़ बाय के ए तो इसका स्क्वायर हो जाएगा एफ़ स्क्वायर डिवाइडेड बाय के ए को हम फिर वहाँ पे टू के बी रख देंगे सो दिस विल बी टू के बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय के बी का स्क्वायर नाउ इसमें से के बी के बी विल कैंसिल हो जाएगा एफ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा के बी के बी कैंसिल हो जाएगा सो so, आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम इसको हम कह सकते हैं कि यू ए विल बी इक्वल टू यू बी जो आपकी एनर्जी स्टोर्ड हो गई दैट विल भी इक्वल टू वन बाय टू सो विच एम्प्लाइज यू बी विल बी इक्वल टू ट्वाइस यू ए यानी कि आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड होएगी बी में वो ट्वाइस uh, होएगी जो आपकी ए uh, में स्टोर हुई है एंड हैंस वी कैन से ऑप्शन नंबर ए 2AEA will be the right answer.